नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि लगातार गैलेंट्री अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। और ये भी आपको बताते चलें कि गैलेंट्री अवार्ड का जो ऐलान हुआ है उसमें टॉप 3 में जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस का नाम दिया गया है। और पुरस्कारों की अगर हम लिस्ट की बात करें तो पुरस्कारों की लिस्ट में पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर पुलिस है और जम्मू कश्मीर के खाते में 81 मेडल हैं। और दूसरे नंबर पर सीआरपीएफ हैं और सीआरपीएफ के खाते में यहाँ 55 मेडल हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर हम बात करें तो 23 मेडल उनके खाते में है। और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर एक सेना के लिए, एक जवान के लिए, एक बटालियन के लिए कितनी गौरव की बात रहती है कि गैलेंट्री अवार्ड में जब उनका नाम दिया जाता है। तो राकेश जी, प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे कि कितने गौरव की बात है और किस तरह से महसूस करता है एक जवान। देखिए, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही स्वर्णीय और एक गौरव का मौका है कि सभी में से ऊपर हमें सबसे ज्यादा जो गैलेंट्री अवार्ड्स इंडिपेंडेंस डे के उपरांत में मिले हैं। और ये एक फोर्स के लिए हौसला अफजाई ही नहीं सिर्फ होती है, बल्कि ये उनका जो काम, जो बलिदान उन्होंने दिया होता है उसके लिए रिकग्निशन होती है। एक फोर्स के लिए, एक बटालियन के लिए, एक यूनिट के लिए, कंपनी के लिए ये एक जोड़ का काम करता है। उनको एक प्रेरणा स्रोत होता है कि आगे से वो और भी इसके लिए काम करेंगे। स्पेशली जबकि जम्मू कश्मीर के बीच में इतनी ज्यादा हालत खराब थी, उसको हमारा जो जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी और बेल्ट फोर्सेस के बीच में जो एक तालमेल हमें देखने में आया, मैं ये कहूंगा उसके कारण हमने काफी हद तक जो मिलिटेंसी है, जो इंसर्जेंसी है, इसका तबाह कर दिया है। ऑल आउट ऑपरेशंस के बीच में सब कुछ ज्यादातर खत्म कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि हम लोग साथ में हैं, हम लोग आर्मी और जो जे एन के पुलिस साथ में काम कर रहे हैं। तो पहले तो मैं जे एन के पुलिस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इतने बड़े गौरव के लिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम लोगों के बीच में एक जो तालमेल, एक कोऑर्डिनेशन, एक हार्मनी बनी हुई है, हम अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जबकि इसका सर कुचल दिया जाएगा मिलिटेंसी का। यानी कि जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ गतिविधियां की रही है पुलिस की तरफ से, और जाहिर तौर पर अव्वल नंबर पर आना तो लाजमी ही था। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि राकेश शर्मा लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ जुड़े हुए थे जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक गौरव की बात रहती है और एक बहुत जोश और जज्बे के साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, सीआरपीएफ काम कर रही है, तो जाहिर तौर पर गैलेंट्री अवार्ड में नाम आना तो बनता ही था। लेकिन 81 मेडल जम्मू कश्मीर के खाते में है, जम्मू कश्मीर के पाले में है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि 23 मेडल जो है वो यूपी पुलिस के पाले में गए हैं। लेकिन अहम जानकारी जो मैं आपसे यहां पर साझा कर रही हूं कि सीआरपीएफ के पास भी 55 मेडल जो हैं वो गए हैं। बहुत अहम कदम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी उठाया गया और सीआरपीएफ की तरफ से भी उठाया गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही हम देख रहे हैं कि आतंकवादी गतिविधियां किस तरह से पनपती जा रही थी और उन पर नकेले भी किस तरह से कसी जा रही थी, वो सबके सामने है। फिलहाल ये गौरव की बात है, खुशी की बात है।